वियतनाम की कैपिटल हनोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटे अगर आपके पास हैं तो आप हनोई में क्या क्या कर सकते हैं, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना मिस मत कीजिएगा। हम लोग परसों रात इस होटल में चेक इन किए थे, सीरीन बुटीक होटल करके है। दो रात हमने यहाँ बिताई है। किराया था फैमिली रूम का लगभग 2200 रुपये पर नाइट, 3 बेड्स थे। अनफॉर्चुनेटली इनके यहाँ रूम सर्विस और रेस्टोरेंट कोविड के बाद से बंद है, इसी का ध्यान रखिए अगर आप यहाँ बुक करना चाहते हैं। अदरवाइज़ होटल ठीक ठाक है, बुरा नहीं है फॉर द बजट। हार्ट ऑफ द ओल्ड टाउन, जो ओल्ड क्वार्टर्स बोलते हैं, वहाँ पर है। चलिए हम लोग हनोई एक्सप्लोर करने चलते हैं। हनोई का एक्सप्लोरेशन एक्चुअली कल रात से ही शुरू हो गया था, तो पहले मैं वापस आपको कल रात लेके चलता हूँ। कल रात हमने हनोई में क्या क्या एक्सप्लोर किया पहले वो देखते हैं, फिर दिन में हनोई एक्सप्लोर करते हैं। आज है सैटरडे नाइट और हम लोग एक्सप्लोर करने निकले हैं हनोई की नाइट लाइफ। हुआन किएम लेक है, वहाँ पर जाके देखते हैं क्या है, कैसा मेला लगा है, क्या क्या होता है। बेसिकली ये है हनोई की नाइट मार्केट। ये 12 बजे तक चलती है शायद, और अभी बज रहे हैं 10:30। कपड़ों के प्राइसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। शॉर्ट्स हैं 40 डोंग के, 40 डोंग मतलब 125 रुपये लगभग। मार्केट पसंद आ रहा है आप लोग को? पीछे पैजामे लिए, पैजामे और शॉर्ट्स 140 डोंग में, दो शॉर्ट्स और एक पजामा, करेक्ट। इसी तरह से मार्केट लगा हुआ है, सब ट्रेडिशनल सब भी हैं लकड़ी के बने हुए। कपड़े तो ऑब्वियसली हैं ही। तो चिकी ने एक कंघी ली है 55,000 डोंग, लगभग 180-190 रुपये। यहाँ सोविनियर शॉपिंग चालू है अनमोल चिकी की। काफ़ी लाइवली से मार्केट है, बंद होने का टाइम हो गया एक्चुअली, 11:15 तक बंद हो जाता है। ये मार्केट चलता है सैटरडे संडे को 9 बजे के बाद रात को। फिग्रीन के लिए भी यहाँ स्टॉल लगा रखा है। दिस इज समथिंग यूनिक, फिग्रीन के स्टॉल मैंने पहली बार किसी मार्केट में देखा। इतने शौकीन लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉपिंग कर चुकी हैं माँ बेटी मिलके। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, वॉल हैंगिंग भी लगा रखी है, टांग रखी है बेचने के लिए, लेकिन सब वियतनामीज में लिखा है और हमारे समझ में कुछ आएगा नहीं, बट है काफ़ी इंटरेस्टिंग। चिकी ने स्लीपर खरीदा है 70,000 डोंग का। वेरी हैप्पी विद माय परचेस। नेम मेफू एंड दिस प्लम, दैट्स दिस लुक महंगा आम नहीं खाया था। 170-180 रुपये का कुछ 250 ग्राम, यानी कि कुछ 800 रुपये किलो आम। इतना महंगा तो हमारे यहाँ अल्फांसो भी नहीं होता है। ये लोगों की दुकानें जो अपने साथ अपने घर लेके जा रहे हैं। वो सामने जो स्ट्रीट है वही नाइट मार्केट है, और पीछे है हमारे हुआन किएम लेक। पूरा मरीन ड्राइव बना हुआ है, रोशनी से सजा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने रात को। ये भाई साहब हुआन किएम लेक, लाइटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार है वियतनामीज़ को। सारी बिल्डिंग्स को सजा रखा है लाइट से। हालांग बे टूर पे हमें एक इंडियन फैमिली का ग्रुप मिला था, काफ़ी सारे लोग थे। उन्होंने हमें एक रेस्टोरेंट रिकमेंड किया नमस्ते हनोई करके, वहाँ आए फिलहाल डिनर करने के लिए। खाना खा के बताता हूँ कि कैसा है। प्राइसेस डिसेंट से लगे मुझे, इंडियन करेंसीज में देखेंगे तो लगभग 300-400 के बीच में सारी सब्जी और दाल है। अनु ने मंगाई है अपने लिए मसाला चाय, 3 दिन से तड़प रही थी चाय के लिए क्योंकि कहीं भी चाय नहीं मिली। आज है सैटरडे, हम लोग बृहस्पतिवार से वियतनाम में हैं थर्सडे से, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हो गए थे। अनु ने मसाला चाय पी, कैसा लगा लो? अच्छा इनको अच्छी लगी चाय, थैंकफुली। ये हमने ऑर्डर किया चाय के बाद मसाला डोसा और फ्राइड राइस, अभी इडली भी ऑर्डर की वो भी आ रहा है, दो चटनियाँ सांभर, मसाला अलग से दिया हुआ है ताकि सौगी ना हो। खा के देखते हैं कैसा है। वैसे चिक्की ने खाया है, अगर चिक्की ने पास कर दिया तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। खाना हमने खा लिया, खाने में साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा था, जो फ्राइड राइस मंगाया था मज़ा नहीं आया, चाय अच्छी थी। और टोटल जो बिल बना वो 556 BND का बना, 556 में 30 ऐड कर लीजिएगा। 3 मसाला डोसा था, एक इडली था, एक वेज फ्राइड राइस था और चाय।
अगर आप हनोई में हैं, इंडियन खाना खोज रहे हैं, तो एक ऑप्शन हो सकता है नमस्ते हनोई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हनोई में सड़क पर कैसे टैक्सी पकड़ी जाती है। टैक्सी वाले भाई साहब से मैं बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ जाना है, देखता हूँ सफलता मिलती कि नहीं, लेके जाते हैं कि नहीं। मीटर से चलाने की बोला, देखता हूँ मीटर में कितना आता है। मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही होगी, मीटर चला है इन्होंने, लेट्स सी। 1 किलोमीटर ही है। मीटर टैक्सी से आने का एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट नहीं रहा, कुछ 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, भाई साहब घुमा घुमा के 2 किलोमीटर में ले गए, और टोटल बिल बना 90,000 BND, यानी कि लगभग 300 रुपये। तो मीटर टैक्सी हनोई में अवॉइड कर सकते हैं, ग्रैवी यूज़ कीजिए। ये तो एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने आपके लिए किया था। हनोई एक्सप्लोर करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बाइक लेके घूमने निकल सकते हैं, पर बारिश कभी भी आ जाती है, भीगने के लिए तैयार है तो बाइक पे घूमिए, मज़ा आएगा आपको। मैंने होटल में पता किया तो ये लोग 170 वियतनामी डोंग में दे रहे हैं दिन भर के लिए स्कूटर। टैक्सी बुक करेंगे ग्रैब से पूरे दिन के लिए 8 घंटे के लिए, तो लगभग 3,500 रुपये चार्ज है विद ड्राइवर। इसके अलावा हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हैं, वॉक करके जहाँ भी घूमना चाहें वो घूम सकते हैं। होटल से चेकआउट करके सामान अंदर रिसेप्शन पे डाल के निकले हम लोग हनोई एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा मन तो था स्कूटर पे घूमने का यहाँ पे, लेकिन रह के बीच बीच में बारिश हो जा रही है तो गीला होने का डर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ वाला ऑप्शन देखने के लिए। और आपको ट्रेडिशनल जो वियतनामीज हैट्स है वो भी इस स्ट्रीट पे मिल जाएंगी। हम लोग वापस से उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ कल रात को आए थे, हुआन कीम लेक। इसी लेक के आसपास में कहीं हॉप ऑन हॉप ऑफ का स्टॉप है, वहाँ चलते हैं पता करते हैं टिकट प्राइस एंड ऑल। कल रात को हम लोग यहाँ पे थे और आज दिन में माहौल टोटली अलग। ये मेरे पीछे है लेक पे बना हुआ हॉप ऑन हॉप ऑफ सिटी टूर का काउंटर। यूजुअली इसी जगह से बस शुरू होती है यहाँ पे, बट अभी चूँकि संडे है और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है वॉकिंग के लिए क्लोज़ किया गया है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ओपेरा हाउस हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर लेने के लिए। और दूसरी चीज़, आप टिकट क्लूक से बुक कीजिएगा, यहाँ बहुत महंगा है। मैंने 4 घंटे का पास लिया है, यहाँ पे 300 VND का था, 300 VND लगभग 1,000 रुपये एक आदमी का हो गया, और मुझे 1,100 रुपये में 3 लोगों का मिला है मेरा अनु और चिक्की का टिकट। क्लूक हाईली रिकमेंडेड। मैंने हालांकि हॉप ऑन हॉप ऑफ का टिकट बुक कर लिया था, पर आगे जब मैं एक लेक के अंदर पगोडा उधर जा रहा था तो मुझे एक और काउंटर दिखा जो कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पर टूर कराते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ के पास। पूरी गाड़ी के लिए 245 300 लगा लीजिए, जब भी मैं बोलूँ तो 300 ऐड कर लीजिए बाई डिफॉल्ट, 245 वियतनामीज डोंग। चार्ज है कार का 30 मिनट्स के लिए, जिसमें पूरे ओल्ड क्वार्टर का ये टूर कराते हैं। ये भी ऑप्शन एक्सप्लोरेबल है और डिसेंट ऑप्शन लगा मुझे। अच्छा माहौल है, वेदर भी थैंकफुली अच्छा है, बारिश बंद हो गई, बादल है, तो घूमने में मज़ा आ रहा है। और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, संडे है, काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी सारी मार्केट लगी हुई है। मैं आज के इस वीडियो में जिन जगहों को दिखा रहा हूँ उन जगहों का नाम स्क्रीन पे लिख दूंगा, हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो थोड़ा सा विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर जगह मुझे बहुत सुंदर लगी। इस टेंपल का नाम अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो टेंपल ऑन द जेड माउंटेन कहते हैं इसको। 1865 में बनाया गया था, ताओइस्ट और कन्फ्यूशियन जो फिलोसफर्स उनको फॉलो करने वालों को डेडिकेटेड है ये टेंपल। अभी हम लोग लेक के किनारे किनारे वॉक लेते लेते ओपेरा हाउस तक जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ से हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं मिलती है। इस लेक के इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक और ट्रेडिशनल एंशियंट आर्किटेक्चर, एक और छोटा सा आइलेट है इस लेक के अंदर वहाँ पर बना हुआ है। इतने सारे लोगों को बबल उड़ाते देखे लेक के किनारे, चिक्की के मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी उड़ाऊं, तो 100 डोंग का खरीद लिया बबल गन। पीछे मैकडोनल्ड्स था हमारे, जैसी उम्मीद थी वैसा ही था, कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था सिवाय फ्रेंच फ्राई के। आप लोगों को बता दूं मैकडोनल्ड अगर आप जाएंगे इंडिया से बाहर तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है। बाहर मैंने एक स्विट्ज़रलैंड में ही देखा जहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन मुझे दिखा था। एक चीज़ काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर, कॉफ़ी कल्चर, जितने रेस्टोरेंट्स नहीं उससे ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं। 15,000 डोंग का ये गन्ने का जूस, 15,000 मतलब 50-60 रुपये का, ठीक ही है, बहुत महंगा नहीं बोलूँगा, इंडिया में भी ऑलमोस्ट इतने का मिलता है। कुछ ऐसे दिखते हैं हनोई के सिनेमा हॉल, यहाँ पर अभी भी सिंगल स्क्रीन का कल्चर बचा हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे।
अभी वॉकिंग एरिया से हम लोग निकल के आ गए मेन रोड पे। सामने देख रहा हमारे ओपेरा हाउस, वहाँ से हमने बस पकड़ ली है। ये हमारे सामने जो बिल्डिंग है ये है ओपेरा हाउस। ये है जी हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बस। छत पे चल के बैठा जाएगा, देखा जाएगा हनोई कैसा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक बादल हट चुके हैं, धूप आ गई है, छाता खुलना पड़ेगा ऐसा लगता है। फाइनली मुझे मिल गई ट्रेडिशनल पी एम स्टूपी। एक्चुअली धूप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, छत पे बैठे हैं डबल डेकर बस के। काफ़ी ज़्यादा लोकल टूरिस्ट भी हैं तो संडे का दिन है, लोग इन्जॉय करने निकले हैं अपने शहर को देखने के लिए। अभी हमें एक हेडफोन दिया है इन्होंने यहाँ पे जैक लगाने के लिए है, इसमें जैक लगाइए, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और जिस भी स्ट्रीट से गुजरेंगे उस स्ट्रीट के बारे में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी मॉन्यूमेंट हमें दिखाई देगा उस सब के बारे में इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरे पीछे भी जो बिल्डिंग है वो है प्रेसिडेंशियल पैलेस, हो ची मिन्ह वहाँ पर रहा करते थे। ये है हो ची मिन्ह मॉसोलियम, बेसिकली जो हो ची मिन्ह के रिमेन्स थे वो यहाँ रखे गए हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हनोई की हिस्ट्री और कल्चर में। इस जगह का नाम है टेम्पल ऑफ लिटरेचर। 1053 में बनाया गया यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही मैसिव। ओपेरा हाउस से चले थे, ओपेरा हाउस वापस पहुंच गए, पूरा चक्कर काट के शहर का। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री इस देश की, 45 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आपको यहाँ के कल्चर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं आप देख सकते हैं। हम लोगों ने तो हॉपन हॉपा पे बैठ के पूरा का पूरा जो ओल्ड सिटी है, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, वो हमने देख लिया। टैक्सी मिल गई फाइनली हमें, टोयोटा वायोस। कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा चैलेंज है अगर फ़ोन पे लोगों से बात करें, क्योंकि अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है, समझाना लोकेट करना कि कहाँ पर आप हैं मुश्किल होती है। दूसरा मैंने एक खासियत देखा, यहाँ पे सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, सीट बेल्ट के लिए उन्होंने परमानेंट लॉक लगा रखा है ताकि टा टा टू टू ना करे ये। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेन की पटरियों के बीच में, दुनिया के किसी और कोने में आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है हनोई के सबसे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक, हनोई ट्रेन स्ट्रीट। मैं यहाँ 3:30 पर पहुँच गया था, पहले लोगों ने बताया 4:20 पर ट्रेन आएगी, फिर 4:20 पर ट्रेन नहीं आई, अभी 5 से भी ऊपर हो चुका, अभी भी ट्रेन नहीं आई है। हम लोग वेट कर रहे हैं, पीपल वॉचिंग इज़ फन, लोगों को आते जाते पिक्चर क्लिक करते देख रहे हैं, पटरियों में बैठ के अलग अलग पोज में लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। हनोई आएंगे तो इस स्पॉट को आप मिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली फन, वन ऑफ अ काइंड। ट्रेन स्ट्रीट पे ट्रेन वॉचिंग के लिए यहाँ पे सारी जगह पे कैफेज के ऊपर फर्स्ट ईयर पे ऐसा सिटिंग का बना रखा है जहाँ पे बैठ के बालकनी से आप आराम से यहाँ से ट्रेन को जाते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता था 5:15 बजे ट्रेन आएगी, पर यहाँ कैफे पर कन्फर्म किया है कि 4:30 के आसपास ट्रेन नहीं गुजरनी चाहिए यहाँ से। अभी बज रहा 4:45, कुछ ऑर्डर किया है, कॉफ़ी जूस वगैरह खाते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस पतली सी गली में से ट्रेन गुजरेगी उसका। ये है हमारा मिल्क कॉफ़ी और ये है सुंदर से ग्लास में पाइनएप्पल जूस। जो हमने नूडल ऑर्डर किया था वो कुछ सूप की तरह आया था बाउल में, तो हमने बोला कि यार ये नहीं चाहिए हमें, तो ड्राइड वाला चाहिए था, तो उसी को शायद ये सुखा के लेके आए हैं, ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। एज एन इंडियन हम लोग थोड़े अप्रिहेंसिव रहते हैं बाहर की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, और मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग हैं जो ज़्यादा अप्रिहेंसिव रहते हैं, जिन्होंने कैमरा होल्ड कर रखा है, पर मेरे हिसाब से बुरा नहीं है इसका टेस्ट। जो टिपिकल जो चाइनीज़ आइटम का जो टेस्ट होता है उसी तरह का टेस्ट है इसका। ये जो हमने नूडल मंगाया उस नूडल का लेंथ है लगभग 2 फीट का। बस गए हैं 4:45, उम्मीद थी 4:20 पे ट्रेन आने की, अभी तक आई नहीं, इंतज़ार करते जब तक ट्रेन नहीं आई तक बैठे रहेंगे यहीं पर। ट्रेन आने का सिग्नल हो गया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाई गई, लोगों को अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए लगभग। कुछ अजीब सा फन था ये ट्रेन को गुजरते देख के, इस पतली सी गली में से गुजरी और काफ़ी लंबी ट्रेन थी, आई थिंक 15-20 डिब्बे की रही होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन लग रही थी, लोकल ट्रेन नहीं थी। हेलो, अलग सा मज़ा है इसमें, चलाने वाला पीछे और सारा का सारा खतरा जो है वो सवारी के लिए।
देखिए मजा आ रहा है? नहीं नहीं कुल 800 मीटर जाना है और भाई साहब बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते करते 100 डॉम में माने, 100 डॉम मतलब लगभग 350 रुपये, 800 मीटर में से भी एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, अलग तरह का एक्सपीरियंस है उसके लिए। और अगर आप इसको सवारी की तरह से ट्रीट करेंगे वे टू कॉस्टली, यूरोप का एक्टिव फीलिंग आएगी आपको एक बार एक्सपीरियंस कीजिए इस हनोइन रिक्शे में। जिस रिक्शे से हम लोग आए उस रिक्शे चलने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगा होगा, 800 मीटर की दूरी पे था। 8 लोवर हैं तो अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके आसपास में घूमते टहलते आ जाइए, देख लीजिए। ऐसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट गिव इट अ ट्राई अगर आप हनोई में घूम रहे हैं तो। और जहाँ पे स्ट्रीट मूरल्स ख़त्म होते हैं उसके पास ही वो स्ट्रीट है जहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं आप। खाने पीने के भाई यहाँ बहुत शौकीन लोग हैं, मुंबई में मुझे लगता था खाने पीने के शौकीन लोग हैं, और यहाँ अलग लेवल है। सड़क भी लोग बैठते थे छोटे छोटे स्टूल लगा के खाने पीने के लिए, तरह तरह की चीज़ें लोग यहाँ खाते रहते हैं पीते रहते हैं, ड्रिंक्स भी पता नहीं क्या क्या है। मोस्टली मेरे ख्याल से चाय के ऊपर ही डिपेंडेंट है, टी बेस्ड या कॉफ़ी बेस्ड ड्रिंक्स हैं काफ़ी सारी। कल वहाँ पे हमें बताया गया था कि रात को 9 बजे से मार्केट लगता है, पर आज शायद संडे है जल्दी लग गया है, पूरी मार्केट सजी हुई है चहल पहल से भरी हुई, और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी हैं। एक तो ड्रैगन बॉल चिक्की ने बताया, यहाँ पे लोग बोलते हैं स्मोक क्रीम बोलते हैं उसको, ट्राई करने की हिम्मत सी नहीं हुई। सॉफ्टवेयर का भयानक शौक है यहाँ पे बच्चों का, कितनी सारी दुकानें हैं तरह तरह के सॉफ्टवेयर से भरी हुई। चिक्की का तो दिल ही आ गया है बोबा के ऊपर। तो हनोई की घुमाई हो गई पूरी, हम लोग आ गए होटल वापस, लॉबी में बैठे हैं वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ेंगे और जाएंगे दानांग। फ़्लाइट के अलावा और भी ऑप्शन हैं यहाँ से दानांग जाने के, 15-16-17 घंटे लगते हैं ट्रेन में बस में, खर्चा लगभग होता है 1000 से 2000 के बीच में। हमने जो टिकट कराई फ़्लाइट की वो भी लगभग 2200 रुपये के आसपास ही थी, तो टाइम काफ़ी सेव हो रहा था इसलिए हमने फ्लाइट का ऑप्शन चूज़ किया। तो ये जो टैक्सी मैं पकड़ के जा रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट, उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हमने जो कल हालांग बे का जो ट्रिप किया था, जिस कंपनी ने अरेंज किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हैरी जो हमारे टूर मैनेजर है काफ़ी अच्छे इंसान है, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की और हर मोमेंट में हमसे अपडेट लेते रहे कि कोई इशू तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको टूर में, कोई भी इशू हो तो मुझे बताइएगा। तो जिस क्रूज़ में मैंने बुक किया था उस क्रूज़ में AC नहीं चल रहा था, मैंने सिर्फ उनको इतना ही बताया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे से पड़ गए थे कि प्लीज़ आप बताइए मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसको कंपनसेट करने के लिए। तो मैंने बोला कि क्या आप मेरे लिए टैक्सी अरेंज कर सकते हैं एयरपोर्ट के लिए विथ सम डिस्काउंट। तो उन्होंने मुझे टैक्सी बुक करके दी 150 वियतनामीज डोंग में, लगभग 500 रुपये इंडियन करेंसी में होता है अगर आप किसी भी मीडियम से बुक करें, चाहे यहाँ की मीटर टैक्सी लें, ग्रैब बुक करें या क्लूब के थ्रू बुक करें, 1000 रुपये से ऊपर ही पड़ता है। तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आप टैक्सी बुक करके जाने वाले हैं, मेरी तरह से आपके पीछे कोई इंश्योरेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप क्लूब से बुक कीजिए। क्लूब से सबसे सस्ता ऑप्शन मुझे मिला था, 1000 रुपये के आसपास यहाँ से फेयर है हनोई सिटी से एयरपोर्ट के लिए। बाकी ग्रैब वगैरह काफ़ी महंगे हैं, लोकल मीटर टैक्सी काफ़ी महंगी है, 1300-1400 रुपये दिखा रहा है। ये हनोई वाला वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।